नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरदार। करते हैं हर छोटी बड़ी गुनाह की खबर की पड़ताल ताकि आप रहें होशियार। खबरदार में सबसे पहले नजर गुनाह के निशान पर। नवी मुंबई के कल्याण में हैवान पति की करतूत, पत्नी को पोर्नोग्राफी दिखाकर करता था टॉर्चर, पत्नी की शिकायत पर हुआ गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की में कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग में मारा गया गैंगस्टर, हमले में दो अन्य लोग भी जख्मी, वारदात से वकीलों में रोष। यूपी के इटावा में दरोगा की काली करतूत, कैमरे में कैद, मोबाइल चोरी के झूठे आरोप में नाबालिग को दी थर्ड डिग्री, रिश्वत लेकर नाबालिग को छोड़ने का आरोप। और नोएडा में पिता ने किया बेटी का कत्ल, प्रेम प्रसंग के शक में दिया वारदात को अंजाम, गुनाह कबूल कर किया सरेंडर। पोर्नोग्राफी की लत कैंसर की तरह है जो रिश्ते नातों भावनाओं को धीरे धीरे खा जाती है, और इसकी खतरनाक बानगी सामने आई है नवी मुंबई के कल्याण से, जहां पोर्नोग्राफी की लत का शिकार एक पति अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता था, उससे वो सब कुछ करने को कहता जो अश्लील फिल्मों में दिखाया जाता है, पत्नी के मना करने पर वो उसे बेल्ट से पीटता था। इस हैवानियत का अंजाम क्या हुआ, जानने के लिए कल्याण से अशोक गुप्ता की यह रिपोर्ट देखिए। मनुष्य का सुंदर दिमाग बेहतर संसार बनाने के लिए है, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग से खिलवाड़ करते हैं। पोर्नोग्राफी की लत में आकर ये लत आपको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। वारदात माया नगरी मुंबई की है, यहाँ किसी और को नहीं बल्कि एक पति को ही पत्नी ने पहुंचवाया है सलाखों के बीच। जिन लोगों को लगता है कि पॉर्न देखना खतरनाक नहीं, उनको खबरदार होने की जरूरत है, क्योंकि पोर्नोग्राफी समाज में जहर घोलने का काम कर रही है और सनसनीखेज उदाहरण है नवी मुंबई के कल्याण का मामला, जहां पॉर्न फिल्में देख देख कर सनक के इंतहा में पति अपनी पत्नी से ही पॉर्न मॉडल्स की तरह बर्ताव करने को कहता और ऐसा ना करने पर वो उसे टॉर्चर करता। हैवान पति उसे रस्सियों से बांध देता, रात रात भर पत्नी को बैठाए रखता। इस दरिंदगी के बाद भी उसका जी नहीं भरता तो बेचारी पत्नी को बुरी तरह मारता पीटता। डेफिनेटली मुलगीच म्हणावी लागेल, कारण की ती 20 वर्षाची आहे, तिचा विवाह कल्याणमध्ये झाला होता 1.5 वर्षापूर्वी, आणि 1.5 वर्षापासून लग्नाच्या एकच महिन्याच्या आत तिचा जो पती होता तो तिला अप्राकृतिक शरीर संबंध करण्यासाठी वारंवार टॉर्चर करायचा, बेल्टनी पट्ट्यांनी मारणं, हातपाय बांधणं, रात्रभर तिला जागवायचा, आणि जर तिने ते करण्यास नकार दिला तर तिला विविध तऱ्हेने टॉर्चर करणं। मग ही घटना एवढी वाढत गेली, एकदा दोनदा आम्ही त्याचं समुपदेशन केलं, समजवलं, परंतु आता तर त्याने कहरच केला की तिने त्याला अप्राकृतिक संबंध तिने करू न दिल्यामुळे त्याने डायरेक्ट तिला विद्रूप केलं, तिचे केस कापले, रात्रभर तिला बसवून ठेवले आणि अतिशय पट्ट्याने त्याने एवढं मारलेलं आहे की तिच्या संपूर्ण अंगावरती वण आहे। एक पत्नी जो पती की सताई हुई है, उसकी पहचान छिपाने के लिए हमने उसका नाम बदल दिया है,
उसकी दुख भरी कहानी में उसका जिक्र हम मुमताज के रूप में कर रहे हैं। मुमताज भिवंडी की रहने वाली है। उसकी शादी कल्याण इलाके में हुई। शादी के बाद शुरुआती दिनों में उसके पति का व्यवहार अच्छा था, पर धीरे धीरे पति का असली चेहरा सामने आने लगा। वो रात रात भर अश्लील फिल्में देखता और पत्नी से भी वैसे ही शारीरिक संबंध बनाने को कहता। मुमताज के लिए ये सब कुछ अचंभे में डालने वाला था। शुरू में तो उसने जालिम पति के जुल्मों सितम को कैसे भी सहा, लेकिन बाद में जब हद से ज्यादा बात बिगड़ने लगी तो उसने पति की हरकतों का विरोध किया। मम्मी ने 1.5 साल पहले मेरी शादी कराए थे। हाँ। तो यानी 1 महीना मेरा आदमी अच्छे से रखा, फिर उसके बाद है ना मोबाइल में ना पिक्चर देखते थे, सेक्स की पिक्चर देखते थे, तो वो पिक्चर देख के ना मेरे साथ ऐसा करने का बोलते थे जी। तो मैं यानी 1 बार 2 बार फिर उसके बाद मेरे से बर्दाश्त हुआ तो मैं नहीं बोली। तो मेरे को बैठा के रखते थे रात रात भर, हाथ बांध के रखते थे, कभी खड़ा करके रखते थे, कभी बैठा के रखते थे, बहुत पारते थे मेरे को। मुमताज के विरोध पर उसका पति गुस्से में पागल हो उठता और उसके हाथ पैर बांधकर रात रात भर बिठाए रखता। मुमताज के साथ मारपीट करके उस हैवान ने उसका जीना हराम कर दिया। इतनी हैवानियत के बाद भी उसका जी नहीं भरा तो पॉर्न फिल्मों की लत में पागल हुए पति ने उसके बाल काट दिए और इस बात की धमकी दी कि अगर वो उसके कहे मुताबिक नहीं करेगी तो गर्दन भी काट देगा। मारते तो फिर क्या किया मालूम है, कैंची लेके पूरा मेरा बाल काटा है, पूरा बाल काटे। तो फिर मेरे अम्मी को भेजे, तो मेरे अम्मी को बोले कि आज तेरा बाल काटा, बोले फिर कल बोले तेरी गर्दन काटूंगा। फिर अपने कुछ कंप्लेंट वगैरह की इनकी, तो मैंने बाजार पेट में उधर पे जाके कंप्लेन करी। फिर ये चाहती हूँ कि मैं जैसे मेरे साथ हो ऐसा किसी और के साथ ना हो, मेरे को यानी रहना नहीं वो आदमी के साथ। मुमताज ने व्यथा अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने स्वयंसेवी संस्थाओं से बात कर मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पूरे मामले की छानबीन की गई और पत्नी के संगीन आरोपों के बाद सन की पति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हैवान पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 377, 498 ए, 324, 201 के तहत मामला दर्ज किया है। एनसी घेतली, त्या एनसी मध्ये मारहाण झाली आणि पोलिसांचं म्हणणं आहे की याबद्दल कोणताही गुन्हा दाखल होत नाही, परंतु 377 हे जे कलम आहे ते पोलिसांनी दाखल करावं। पोलिसांनी कलम न घेतल्यामुळे किंवा याबद्दल एफआयआर न घेतल्यामुळे आम्ही तिकडचे झोन 3 चे जे कल्याणचे डीसीपी आहेत त्यांना भेटायला गेलो, तर ते आम्हाला काही भेटले नाहीत। उद्या सकाळचा वेळ दिला आहे की तुम्ही या, आम्ही तुमची एफआयआर दाखल करू। आम्हाला पोलिसांना आणि आम्हाला या तुमच्या मीडियाच्या आधारे एकच विचारायचं आहे की महिलेवरती अत्याचार करणारा जर का तिचा स्वतःचा पती असेल तर का तिला न्याय मिळू शकत नाही? 498 आणि डीव्ही डोमेस्टिक व्हायलेन्स याच्याने काही समाधान द्या। जर या महिलेला जर न्याय मिळाला नाही तर आम्ही खूप मोठं आंदोलन करणार आहोत। पॉर्न फिल्मों की दुनिया जहरीली है, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी, फोटोशॉप और वर्चुअल इफेक्ट के सहारे बनाई जाने वाली ये फिल्में इंसानी दिमाग पर बेहद बुरा प्रभाव डालती हैं और पोर्नोग्राफी की लत का शिकार वास्तविकता को भूल जाता है। असल जिंदगी असल दुनिया से दूर, सोचने समझने की क्षमता खोकर वो वहशी हो जाता है और इसी हीन भावना और असंतुष्टि के शिकार नवी मुंबई के राक्षस ने अपनी दुनिया तो उजाड़ी ही, उसका भी सब कुछ तबाह कर दिया जो उसके भरोसे पर अपना सब कुछ छोड़कर एक नई दुनिया बसाने आई थी। खबरदार के लिए नवी मुंबई के कल्याण से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। पोर्नोग्राफी बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। रविवार की छुट्टी के बाद कोर्ट खुला ही था, कोर्ट में पूरी चहल पहल थी कि तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा कोर्ट परिसर गूंज उठा।
कोई कुछ पूछता इतनी देर में तीन लोग जमीन पे पड़े थे। बदमाशों ने गैंगवार में गैंगस्टर को गोली मार दी थी और दो अन्य लोग भी इस गैंगवार के शिकार हुए थे। कहां और क्यों हुई यह सनसनीखेज वारदात जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के रुड़की कोर्ट परिसर में काफी चहल पहल थी, तभी अचानक ही कोर्ट परिसर गोलियों की आवाज से दहल गया। फायरिंग कोर्ट परिसर के भीतर हुई थी। अपर जिला जज की अदालत में पेशी पर लाए गए गैंगस्टर देवपाल राणा पर तीन बदमाशों ने उस वक्त अंधाधुंध फायरिंग कर दी जब वो कोर्ट रूम के बाहर पेशी के इंतजार में बैठा हुआ था। कोर्ट में फायरिंग से वहां अफरा तफरी मच गई और कोर्ट में तैनात आईआरबी के जवानों ने बदमाशों को घेरते हुए जवाबी फायरिंग शुरू की। वकीलों और अन्य लोगों के सहयोग से पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ लिया जबकि एक बदमाश भागने में सफल रहा। पेशी थी आज रुड़की कोर्ट से, रोड पेशी के दौरान उसको गोली मार दी गई है। तो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये कि वो खत्म हो गया है। उसके दौरान क्रॉस फायरिंग भी हुई, पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, ये भी आप देख रहे हैं। जिसे दो पकड़े गए, एक फरार है। सर कितनी गोलियां चली थी, कितनी गोलियां लगी थी? गोलियां चली हम पता कर रहे हैं, वो तो जितने भी कोके मिले अब इन्वेस्टिगेशन में ये सब आ जाएगा। क्या किसी एडवोकेट को भी गोली लगी है सर? सहारनपुर से उनके साथ में वो एक्चुअली दो और लोगों को गोली लगी है, किसी के जांघ में लगी है, किसी के उंगली में लगी है। इसमें से एक एडवोकेट बताया जाए वो वेरीफाई कर रहा है। देवपाल को कितनी कितनी गोलियां लगी है? सूचना मिल रही है कि देवपाल की मौत हो गई। हाँ मौत हो गई है, अभी ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। सर ये लोग कौन थे जिन्होंने गोली चलाई और ये क्या पहले भी जो गैंगवार हुआ है क्या उसमें? जी अभी टू अर्ली टू से जो हमारे पास दो बंदे हैं उनसे पूछा कि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई कर रहे हैं उसको। किसी का नाम आ रहा है लेकिन वो वेरीफाई करने की बात है, अभी जरूरी नहीं कि वो सच बोले। ये तो अभी मैं बोल नहीं सकता, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है। जेल से आया था, रुड़की जेल में था, जेल से आया था। कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया था। कोर्ट में अचानक हुए हमले में गैंगस्टर देवपाल राणा की मौत हो गई है जबकि दो लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारा गया गैंगस्टर देवपाल राणा कुख्यात बदमाश सुनील राठी गैंग का शूटर था और एक गैंगवार के मामले में ही जेल में बंद था। इतवार की छुट्टी के बाद कोर्ट खुलने की वजह से कोर्ट में भारी भीड़ थी। करीब 11 बजे ही देवपाल को जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। हम अपने कोर्ट में अपने रोज के काम से जा रहे थे, पीछे थे हम जेम फर्स्ट कोर्ट के तरफ पीछे, तो ऊपर गोलियां चलने की आवाज आई, 5-6 गोली चली। मैंने वहां से चिल्लाया जोर से, मैंने कहा गोली चली है ऊपर, फिर दोबारा गोली चली तो भीड़ इधर उधर भागती रही, पता नहीं लगा किसने किसको मारी। दो इधर पड़े थे, दो इधर, एक इधर पड़ा था। 10 मिनट इंतजार करते रहे, मैंने सीओ साहब को फोन किया, अपनी गाड़ी में इनको लेके आया। तो देवपाल राणा नाम का बदमाश है, उसको किसी ने गोली मारी है। मैं अपनी गाड़ी में लेके इनको तीनों को घायलों को यहाँ पे लाया। अंधाधुंध फायरिंग से देवपाल को कई गोलियां लगी। वहाँ कुछ और लोग भी पेशी के लिए आए हुए थे जिनमें से दो और लोगों को गोलियां लगी। गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ पहुँचे वकीलों ने देखा कि तीन लोग लहूलुहान कोर्ट रूम के बाहर पड़े हुए थे। इस फायरिंग में वो लोग भी निशाना बने हैं जिनका इस गैंगवार से कोई लेना देना नहीं था। तो किसी से मिलने आ रहे थे, जैसे कोर्ट में पहुंचे पर जी, तो वहां पर फायरिंग शुरू हो गई, धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हुई। हम इधर से भागे, अपनी जान बचा के, तो एकदम गोली टांग लगी। कोर्ट परिसर में हुआ ये गोलीकांड पहले से चली आ रही राइवलरी का नतीजा माना जा रहा है क्योंकि 3 साल पहले रुड़की जेल परिसर में भी कुछ बदमाशों में एक बड़ी गैंगवार हुई थी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हो गए थे। इस गोलीकांड को उस गैंगवार का पलटवार माना जा रहा है क्योंकि देवपाल उस गैंगवार में मुख्य शूटर था और पिछले 1 साल से जेल में बंद था।
तीन साल पहले चीरू पंडित नाम का कुख्यात बदमाश रुड़की जेल से रिहा हो रहा था और उसके साथी उसे लेने के लिए रुड़की जेल पहुंचे थे। जेल परिसर से निकलने से पहले ही एक कार जेल के बाहर आकर रुकी और कार में बैठे बदमाशों ने रिहा हो रहे चीनू और उसके साथियों पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तब हुई फायरिंग में देवपाल मुख्य शूटरों में से एक था। देवपाल कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हुआ था और उसकी पत्नी सहारनपुर के ननौता ब्लॉक प्रमुख भी रही है। देवपाल पर हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी जैसे कई मुकदमे भी चल रहे हैं। अब पुलिस पकड़े गए दोनों शूटरों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने किसके कहने पर इस गैंगवार को अंजाम दिया है। बहरहाल कोर्ट परिसर में हुई इस गोलीबारी से वकीलों में रोष है और वो अपनी सुरक्षा की चिंता जाहिर कर रहे हैं। लहूलुहान थे वो लोग। अब जब हमने जानकारी करनी चाहिए तो कुछ लोगों ने हमें ये बात बताई है कि भाई देवपाल राणा यहाँ पेशी पर आया था और यहाँ फिर आपस में क्या हुआ आगे हमें नहीं पता, लेकिन गोलियां चली हैं और उसमें 5 लोग इंजर्ड हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हम लोगों के मन में तो ये गुस्सा है, ये रोष है कि हम लोग पूरी तरीके से असुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर हुआ है, कोर्ट कैंपस में हुआ है, कोर्ट कैंपस के अलावा भी सबसे बड़ी बात यह है कि उन जो बदमाशों को पकड़ा है वो हमारे एडवोकेट लोगों ने पकड़ा है। सही बात। भाग के बताया जा रहा है कि अभी मुझे स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि किसी एक एडवोकेट की भी गोली लगी है और एक क्लाइंट की भी है गोली। यहाँ पूरी तरीके से असुरक्षित माहौल है। हम लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं पूरी तरीके से असुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से कई बार ये बात उठाई है, भाई यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देख लिया जाए, लेकिन सरकार इसके प्रति बिल्कुल नदारद है। जानकारी देवपाल राणा के आपराधिक रिकॉर्ड की भी लेते हैं। देवपाल राणा उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के बढ़ेड़ी थाना इलाके के बड़गांव का रहने वाला था। रुड़की जेल में बंद देवपाल राणा पर 2014 के गैंगवार में 3 हत्या करने का आरोप था। सुनील राठी के इशारे पर जेल परिसर में चीनू पंडित और उसके साथियों पर जानलेवा हमला किया था। एसटीएफ की टीम ने फरवरी 2017 को कुरुक्षेत्र हरियाणा से इसकी गिरफ्तारी की थी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं। देवपाल कभी संजीव जीवा गैंग का सक्रिय सदस्य था, फिलहाल सुनील राठी गैंग के लिए काम करता था। जीवा गैंग में शामिल होने से पहले देवपाल उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल था। लूटपाट के एक मामले में नाम आने के बाद देवपाल को बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट परिसर में हुई इस गोलीबारी ने उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सवाल ये है कि जब न्याय के मंदिर में ही अनुयायियों का आतंक है तो शहर के गली नुक्कड़ से गुजर रहे आम आदमी की क्या बिसात, उनकी सुरक्षा तो राम भरोसे है ना। खबरदार के लिए उत्तराखंड के रुड़की से सचिन की रिपोर्ट। इंसाफ का मंदिर कोर्ट, जहां पे हम न्याय पाने के लिए जाते हैं, वहां पे अपराधियों ने तांडव किया है। वहां पे सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं और वकीलों की चिंता भी जायज है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस की थर्ड डिग्री के सामने बड़े से बड़ा अपराधी भी थर थर कांपने लगता है, लेकिन क्या हो जब इस तरीके का इस्तेमाल एक 14 साल के मासूम बच्चे पर किया जाए। आपके लिए शायद इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन यूपी के इटावा में वर्दी के नशे में चूर एक दरोगा ने ऐसा किया है और इसका वीडियो वायरल हो गया है। क्या है पूरा मामला जानने के लिए शीर्षक दुबे की यह रिपोर्ट देखिए। तन पर वर्दी हो तो ठसक ही कुछ अलग होती है, फिर चाहे सामने बड़ा हो या छोटा, ये रुआब कम नहीं होता, सब पर एक जैसा ही चलता है। यहाँ हमारा इरादा पुलिस को बदनाम करने या उसकी छवि को खराब करने का नहीं है, बल्कि हमारा इरादा वर्दी पहनकर कानून तोड़ने वाले वर्दीधारियों को बेनकाब करना है। यूपी के इटावा में यूपी पुलिस के एक दारोगा की करतूत सामने आई है।
दरोगा थाने में एक बच्चे को बैठाकर थर्ड डिग्री टॉर्चर देते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मामला इटावा के सैफई थाने का है। आरोप है कि थाने में तैनात दरोगा ने 14 साल के एक बच्चे पर अपनी पुलिसिया रुआब दिखाया और बच्चे की खूब पिटाई की। अच्छा, कहाँ कहाँ मारा तुमको? मेरे दोनों कान ये मारे। हाँ, कानों में चोट आई कहीं? ये खून निकल आया। अच्छा, ये अच्छा कान में ये हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। अच्छा, ये कान में तुम्हारे निशान है। अच्छा, और अच्छा ये नाखून के निशान है ये? मेरे तरुण मारा पर। अच्छा, और काई से मारा तुम? किस किस से मारा तुमको? लाठी से मारा, वो छोटी वाली डंडा ले लिया। हाँ, इतना बड़ा। हाँ, लाठी पैरों में मारा और तरुण मारा। आरोपी दरोगा का नाम योगेंद्र शर्मा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दरोगा साहब की ये पूरी मशक्कत चोरी के एक मोबाइल को बरामद करने के लिए थी। आरोपी दरोगा को एक मोबाइल चोरी होने की शिकायत मिली थी, उसी की तफ्तीश करने दरोगा जी मौकाए वारदात पर गए। चोरों का सुराग तो नहीं लगा, पर दरोगा को एक बच्चा मिल गया जिससे डंडे के जोर पर कुछ भी कबूलवाना आसान था। फिर क्या था, दरोगा बच्चे को अपने साथ थाने ले आया और जो तरीका पुलिस खूंखार अपराधियों पर अपनाती है वो सारे हथकंडे दरोगा ने बच्चे पर आजमा डाले। पीड़ित बच्चे और परिवार का कहना है कि दरोगा ने बच्चे को उस वक्त पकड़ा था जब वो दवाई लेने अस्पताल गया हुआ था। हम गए थे यहाँ से दवाई लेने। अच्छा, मैं उधर पहुंचे थे, वहाँ पर उतरे थे हॉस्पिटल। ठीक है। अच्छा, फिर पकड़ के क्या हुआ? पीटा मेरे को। अच्छा, कहाँ ले गए तुम्हें? दरोगा जी का क्या नाम था? ये नहीं। अच्छा, दरोगा जी को पहचान सकते हैं आप? पहचान ले। मैंने अपने बच्चा भेजा था दवा। हाँ, के लिए। अच्छा, तो दवा के लिए उन्होंने पुलिस दरोगा जी ने पकड़ लिया। अच्छा, हम तो मंजूरी भी चले गए, हमने भेजा दवा के लिए। क्या दिक्कत थी बच्चे को? बच्चे के कोहनी में दर्द, कानों में दर्द हुआ था, मुंह में। अच्छा, दर्द होता, बुखार हल्का हल्का। अच्छा, अच्छा, ऐसा भेजा हमने, बेटा तुम दवा ले आई, हम मंजूरी करने जा रहे। बच्चे पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा था, लेकिन दरिंदा दरोगा थर्ड डिग्री देकर भी बच्चे से मोबाइल बरामद नहीं करवा पाया तो बच्चे के परिजनों से बच्चे को छोड़ने की एवज में पैसे मांग लिए। पुलिस के सितम का शिकार बच्चे के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बच्चे को छोड़ने के बदले में 10,000 रुपए की मांग रखी। मजदूर माँ के लिए पैसे का इंतजाम करना मुश्किल था, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को जालिम दरोगा के पास छोड़ना भी मंजूर नहीं था। आखिर में दुखियारी माँ ने कर्ज लेकर बच्चे को छुड़ाया। अब कर्ज चुकाने के लिए परिवार को भूखा सोना पड़ रहा है। थाने से कैसे छोड़ा गया आपका बच्चा? तो हम तो मजदूरी, हम नीरज 10,000 रुपया कर्ज लिए हुए थे, करके तब लग गया, तो हमने मेरे बच्चे को छोड़ा है। कितना रुपया लिए दरोगा जी ने? 10,000 रुपया। हम मजदूरी को लेकर पंजाब आटा को और रोटी दाल को होगा, मेरे घर में आटा चखना है, फिर देखा सब बच्चे भूखे पड़ा है, चावल डाल देते तो खिला। खेती कितनी है आपसे? हमारे पास ना खेती ना कछु, हम सब मजदूरी करते खाते हैं। हैवान दरोगा की हैवानियत शायद कभी आपके सामने नहीं आती अगर उस वक्त थाने में मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो शूट करके वायरल नहीं किया होता। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, शायद इसी के चलते पुलिस के आला अधिकारियों के पास भी कोई माकूल जवाब नहीं है, लिहाजा पुलिस आरोपी दरोगा पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। ये वीडियो वायरल हुआ, मेरे संज्ञान में आया और मेरे द्वारा उस सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया, लाइन से स्थानांतरित किया गया थाना सफाई से, विभागीय जांच उसके खिलाफ ऑर्डर की गई। तरीके से आरोप लगा कि कहीं ना कहीं उस बच्चे ने मोबाइल चुराई, इसको लेकर अभी जांच में सारी चीजें क्लियर होंगी। यदि इस तरीके के आरोप की पुष्टि होगी कि किसी नाबालिग बच्चे को थाने पे अभद्रता की गई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, विभागीय जांच में ऑर्डर की गई। पुलिस ने अपनी तरफ से खाना पूर्ति करते हुए आरोपी दरोगा योगेंद्र शर्मा को सैफई थाने से लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आरोपी को उसके कुएं की मुकीम सजा मिलेगी। ऐसा होने की गुंजाइश कम ही है क्योंकि जांच की जिम्मेदारी भी उसी महकमे के पास है जिसकी वर्दी के आड़ में एक आरोपी ने बच्चे पर जुल्म किए थे। जांच में क्या निकल कर आएगा और उस पर क्या कार्रवाई होगी ये तो भविष्य ही बता पाएगा, लेकिन एक चीज तो तय है,
छोटी सी उम्र में खाकी के हाथों मिले शरीर के घाव तो शायद भर जाएं, लेकिन बच्चे के जहन पर पड़े निशान शायद ही कभी मिट पाए। खबरदार के लिए इटावा से शीर्षक दुबे के साथ जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट। खाकी पहनने का मतलब कर्तव्य निभाना होता है, लेकिन इन साहब को इस कर्तव्य के निर्वहन की जानकारी शिक्षा दीक्षा किसने दी, ये समझ से परे है कि वो एक बच्चे के साथ इस करतूत पे उतारू हो गए। खबरदार में आज इतना ही, लेकिन आप रहिए होशियार, रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।